हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक फैक्ट टॉक्स में। होप आप सब बढ़िया होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपके साथ शेयर कर सकें। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट ऑफ इंटरनेट। क्या आप जानते हैं 6.8 मिलियन लोग जो हैं वो आज के टाइम में इंटरनेट को यूज़ करते हैं। लोग काफ़ी अच्छा नंबर हुआ करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पास्ट के कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या जानते हैं पहला इंटरनेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला इंटरनेट जो बनाया गया था वो बनाया गया था द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। ये एक यूएसए मिलिट्री का पार्ट था। ये एजेंसी यूएसए मिलिट्री के अंडर काम करती थी और इंटरनेट पर काम कर रही थी। इसने अराउंड 1960 के आसपास पैकेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया और इसको इंट्रोड्यूस किया, बट इसका भी ट्रायल नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर टू, क्या जानते हैं पहला गैलेक्टिक नेटवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ? या बोल सकते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात कर सकता था? जी मैं बताता हूँ। 1962 के आसपास MIT और ARPA ने मिलकर इस गैलेक्टिक नेटवर्क को डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ एक रिसर्चर्स थे JCR निकलू, जिन्होंने एजेंसी और MIT के साथ मिलकर गैलेक्टिक नेटवर्क का इंट्रोडक्शन किया, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज को पहुंचा सकता था और बात कर सकता था। फैक्ट नंबर थ्री, अराउंड 1969, यस 1969 में पहला मैसेज डिलीवर किया गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ये किसने किया था? MIT और ARPA ने मिलकर किया था। ये नोड टू नोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। अब इसमें पहला कंप्यूटर था वो UCLA रिसर्च लैब में पढ़ा था, दूसरा जो था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था कि जो पहला मैसेज लॉगिन भेजा गया था, जी हाँ, पहला मैसेज टाइप करके लॉगिन भेजा गया था, बट हमारा नेटवर्क क्रैश कर गया, जिससे UCLA से वो लॉगिन स्टैनफोर्ड पूरा नहीं पहुंचा, बट शुरू के दो अक्षर पहुंच गए, जिससे हमें ये पता लग गया कि हमारा ट्रायल फेल तो नहीं हुआ बट पास भी नहीं हुआ है, जिससे हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एक जरिया मिल गया, या हमें पता लग गया कि हम एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पर मैसेज भेज सकते हैं। फैक्ट नंबर फोर, अराउंड 1970, यस 1970 के आसपास एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे विंटर शेफ, जिन्होंने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, जी हाँ, जो मैसेज को सेंड करने में काफ़ी आसान कर सकता था। ये प्रोटोकॉल था TCP और IP। ये दोनों प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस करके एक फाइल को दूसरी जगह फाइल भेजने में आसानी होने लगी, जो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी टाइम सेविंग था। फैक्ट नंबर फाइव, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब शुरू में वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब सिर्फ इतना था कि एक जगह से दूसरी जगह फाइल को भेजना रिसर्चर्स द्वारा या साइंटिफिक लेवल पर, बट अराउंड 1980 के आसपास एक स्विस प्रोग्रामर थे जिनका नाम था बैरनस ली, जिन्होंने क्या किया कि पहला इंट्रोडक्शन दिया वर्ल्ड वाइड वेब का, कि उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ सेंड करने के लिए काम नहीं आएगा मैसेज को, बट ये एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हमें सर्व करने के काम भी आएगा, जिससे हमारे वेबसाइट बनी और वेबसाइट में डाटा स्टोर हुआ, या फिर बोल सकते हैं हम कोई भी डाटा जो है गूगल पर सर्च करते हैं, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब पर ही बेस है। फैक्ट नंबर सिक्स, इन 1992, जी हाँ 1992 में पहला ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया गया था। आज की डेट में तो हमारे पास ब्राउज़र की कमी नहीं है, जियो ब्राउज़र हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, बट उस पहला ब्राउज़र जो था वो स्टूडेंट्स और रिसर्चर जो इल्विन यूनिवर्सिटी के थे, जिन्होंने डेवलप किया था सोफिस्टिकेटेड ब्राउज़र, जिसका नाम रखा था मोरेस, लेटर में उसका नाम नेटस्कैप हो गया था। प्रेजेंट के फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट नंबर वन, मिड ऑफ 1995, 1995 के आसपास कोई तकरीबन 53 मिलियन लोग जो थे वो इंटरनेट को चलाते थे, वो भी 134 कंट्री। जी यस, ये काफ़ी
अच्छा रेवोल्यूशन था इंटरनेट का। उसी टाइम अराउंड 2000 के ईयर में 200 मिलियन लोग जो थे वो इंटरनेट चला रहे थे वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, तकरीबन 5 साल के रिवोल्यूशन में ही काफ़ी इंटरनेट का विस्तार हो गया था और इंटरनेट काफ़ी जगह तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी फास्ट बढ़ रहा था। फैक्ट नंबर 2, इंटरनेट क्या था कि एक टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़ चुका था। अब टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ पहले कॉल कम्युनिकेशन में काम आती थी, अब इंटरनेट पर नेट की फैसिलिटीज़ को भी अवेलेबल करा दी थी। तो उन्होंने पहला 1G नेटवर्क, जो बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क जो इंट्रोड्यूस किया, जिसे GPRS के नाम से जानते हैं, वो जो था वो एनालॉग सिग्नल बेस था। जी हाँ, जो काम करता था ARP नेट टेक्नोलॉजी पर। जी हाँ, जो ARP नेट थी, उन्होंने ही पहला इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया था। फैक्ट नंबर 3, क्या जानते हैं इंडिया में पहला इंटरनेट कम्युनिकेशन कब आया था? जी मैं बताता हूँ, इंडिया में पहला इंटरनेट कम्युनिकेशन 15 अगस्त 1995 में आया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास इसकी मोनोपोली थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी उस टाइम इंटरनेट अवेलेबल करवाने के लिए। अब फैक्ट नंबर 4, सेकेंड जनरेशन का इंट्रोडक्शन जो था हमारी लाइफ में होने जा रहा था। जी हाँ, ये डिजिटल सिग्नल वेस थी। इसमें इंट्रोडक्शन क्या हुआ, EDGE का हुआ। अब EDGE क्या था, एनहेंस डाटा रेट ऑफ GSM एवेल्यूएशन। जी हाँ, EDGE, और ये बेस्ड था डिजिटल सिग्नलिंग पर, जो काफ़ी एफिशिएंट था और इसकी स्पीड अराउंड 40 kbps की थी। जी हाँ, सेकंड जनरेशन 2G के नाम से जाना जाता था। अब फैक्ट नंबर 5, अब फैक्ट नंबर 5 में क्या है कि थर्ड जनरेशन या और फोर्थ जनरेशन का, 3G और 4G का ज़माना आया। अभी जो मैं जियो से आप चला रहा हूँ, या फिर जो YouTube पर स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ या YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ 3G या 4G नेटवर्क से, ये काफ़ी हाई स्पीड नेटवर्क था। जो पहला 4G इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, वो हुआ था 2009 में। जी हाँ, जो हमारी टेरासोर्स नाम की कंपनी थी जिन्होंने पहला 4G इंट्रोड्यूस किया था। बट इसमें एक फैक्ट हो रहा है, इंडिया का पहला 4G किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम सोचते हैं जियो पहला 4G इंट्रोडक्शन जिन्होंने इंडिया में, बट नहीं, एयरटेल था जिन्होंने 2012 अगस्त 2012 में पहला 4G मॉडम जो था इंडिया में लॉन्च किया और इंट्रोड्यूस किया इस नेटवर्क को इंडिया में, जिसे आज हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हाई स्पीड यूट्यूब स्ट्रीमिंग या फिर बोल सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म को स्ट्रीम कर। फ्यूचर के फैक्ट्स पर बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाएंगे फ्यूचर में, वो इंटरनेट पर ही बेस होंगे। अराउंड 90% या 95% ऑफ अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं, वो इंटरनेट कैपेबल होंगे या रिमोटली एक्सेसिबल होंगे, जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है या उसका डाटा चेंज किया जा सकता है। और प्लस ये सब क्लाउड स्टोरेज के साथ जुड़े होंगे, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में सुना होगा स्टोरेज डिवाइस का फ्यूचर क्या है या प्रेजेंट में कैसे हम स्टोर करते हैं, उसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हम मेरी पहले फैक्ट्स को देखें। फैक्ट नंबर 2, फ्यूचर में 5G का इंट्रोडक्शन होगा हमारी लाइफ में, जो कि 4G और 3G से काफ़ी तेज होगा। अराउंड 10 GB पर सेकेंड की स्पीड होगी। जी हाँ, 10 GB पर सेकेंड, ये काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। और आपने सुना ही होगा कि जियो ने अभी अभी रिसेंट अनाउंसमेंट की है कि वो 5G को पहले इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया में। अब देखते हैं इस रेस में पहले फर्स्ट कौन है या पहले जीता कौन है। फैक्ट नंबर 3, व्हीकुलर इंटरनेट। अब व्हीकुलर इंटरनेट क्या है? व्हीकुलर इंटरनेट क्या है, जो व्हीकल्स के अंदर इंटरनेट इम्प्लीमेंट होगा सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनोमस कार के लिए। ये जो इंटरनेट है, ये कैसे काम करेगा फ्यूचर में? ये इंटरनेट जो है वो काम करेगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लोकेशन या डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए। इसलिए उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके जो सेंसर्स हैं वो डाटा को रिसीव और सेंड करेंगे काफ़ी हाई स्पीड से। अराउंड Formula 1 कार के लिए अराउंड 200 GBPS की स्पीड चाहिए होगी इंटरनेट की। जी हाँ, ये हमारा फ्यूचर है इंटरनेट का। फैक्ट नंबर 4,
ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? आपने एआर का सुना होगा कि हम वर्चुअली किसी से भी मीटिंग कर पाएंगे या किसी से भी बात कर पाएंगे। ये सब हाई स्पीड इंटरनेट के बेस पर ही होगा। इसमें क्या होगा कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट होलोग्राफिक मीटिंग्स और एआर मीटिंग्स और एआर गेमिंग काफ़ी फेमस होगी फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रेजेंट में एआर गेमिंग तो कॉमन है, बट एआर गेमिंग का अपग्रेड वर्जन भी फ्यूचर में आएगा इंटरनेट के थ्रू ही, क्योंकि इंटरनेट होगा तभी हम एआर गेमिंग या एआर क्लाउड गेमिंग कर पाएंगे, जो कि काफ़ी आसान होगी और काफ़ी बढ़िया होगा। फन फैक्ट पर बात करते हैं। फन फैक्ट का जानते हैं वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंटरनेट कहाँ पर है? वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंटरनेट इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, 0.26 डॉलर का इंटरनेट कॉस्ट जो है 1 GB के लिए, वो इंडिया में देनी पड़ती है, जो कि वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। प्लस हम सोचते हैं कि हम वायरलेसली पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं, पर नहीं, हम वायर के साथ ही जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हमारे ओशंस के नीचे ऑप्टिकल फाइबर जुड़ी है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ती है, जो कि एक फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता होता। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर इसकी चेंजिंग कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसको मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये था कुछ फैक्ट्स। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय दोस्तों।